सत श्री अकाल जी फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। फ्रेंड, आज का टॉपिक है शिरजू के ऊपर। थोड़ा आपको बताएंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके टेक केयर के बारे में, और क्या आजकल की लाइफस्टाइल में ये आपके सूटेबल है, आपके लिए अच्छा पेट फैमिली डॉग है, आपको इसके बारे में बताते हैं। और पहले मिलाते हैं आपको वाईफाई, इसका नाम है वाईफाई, राइट? हेलो वाईफाई, हेलो कर दो मुत। वैसे इसकी हिस्ट्री हमारे ऑलरेडी एक वीडियो है शिरजू के ऊपर कि ये चाइनीज ब्रीड्स है, और आप जानते ही हो कि भगवान बुद्धा के जो कहते हैं कि यहाँ पर किस मार्क किया था, मार्किंग वाइट आती है, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम ऑलरेडी आपको वीडियो से बता चुके हैं। और ब्लेसिंग भरा डॉग है, बहुत सारे देशों में जहाँ लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं तो ये एक दूसरे को जब किसी भी बड़े दिन त्यौहार पर गिफ्ट करते हैं तो विच मीनिंग्स ब्लेसिंग वो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग कथाएं हैं। आप इनको अक्सर गौतम बुद्ध जी के साथ, अगर लासा एप्सो और शिजू उनके साथ, बहुत सारे अलग अलग बातें, लेकिन आज हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। एक तो मैं फ्रेंड, गर्मियों में बहुत सारे मेरे फ्रेंड कहते हैं कि शिरजू जब भी गर्मियों में रखना क्या आसान है। शिरजू रखने के लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बालों की लंबाई और ठीक घने होने के कारण को बालों को अक्सर वैसे तो ग्रूमिंग करवा देते हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड काट देते हैं, छोटे करवा देते हैं बालों को, सिंपल भाषा में बात करें तो। लेकिन फिर भी एक अच्छा कह लो कि शैम्पू यूज़ करना, जैसे इसके बाल छोटे बड़े हों लेकिन वो शाइनिंग भरे हों और वो ग्लोसी हो, कह लो सिल्की हो, तो शैम्पू विद कंडीशनर यूज़ कीजिए। टिक्स के लिए, टिक्स का शैम्पू अगर यूज़ करोगे तो बालों में रफनेस आएगी, उसके लिए आप स्पॉट ऑन, हमारा वीडियोस है स्पॉट ऑन, जो रीढ़ की हड्डी पर डालने वाली दवाई होती है, स्पॉट किया जाता है, वो टिक्स को भगा देता है, उसका रिजल्ट काफ़ी 2-3 महीने तक भी कुछ कुछ कंपनियों का रहता है। बाकी रही बात और क्या प्रिकॉशन लेना, शिरजू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इनकी आँखों में प्रॉब्लम्स आती है, आइस इन्फेक्शन। जैसे आप देख रहे हैं उसके बाल घूम रहे हैं, ये घूमकर जब बाल आंखों में टकराते हैं ना, तो फिर वो जब आंखों में नमी होती है, गीलापन, तो उससे ये जो बालों का सॉफ्टनेस है ये इतने जुड़कर इतने हार्ड हो जाते हैं कि कभी कभी डॉग की आंखों पर उनके ही बाल लगकर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्किन की रेडनेस आ जाती है, बहुत सारे जैसे पग ब्रीड के आइस इन्फेक्शन होते हैं इनके, उससे भी बढ़ जाते हैं। तो हमेशा जब भी शिरजू लो तो आप हमेशा इनके बालों का ध्यान रखिए, स्पेशली बाल जो घूम कर आँखों की तरफ आ रहे हैं उसका ध्यान रखिए, वो समय समय पर घर में ही काटते रहिए। तो अगर आपको जानते हो हाउ टू डू दैट, अदरवाइज आप नियरेस्ट जो आपके अच्छे ग्रूमर हैं, वेट हैं, उनके साथ संपर्क में जरूर रहिए। बाकी रही बात बालों के लिए, उस तरह में बहुत तरह के अलग अलग ब्रशेस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये अंडरकोट रेकर होता है, ये बालों के अंदर से जो बाल नीचे वाले रहते हैं उनको निकालने में काफी हेल्प करता है, और इनका ये जो नीचे वाला स्टाइल ये काफ़ी अच्छा, और ये नॉर्मली ट्रेडिशनली कह लो लकड़ी के जो ब्रश होते हैं ये भी एक साइड में मसाज करने के काम आते हैं, एक साइड से आप बाल निकाल सकते हो। अदरवाइज जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है बहुत अलग अलग प्रकार की, ये आप देख सकते हो, आपको बहुत तरह के अलग अलग ब्रशेज मिल जाएंगे। मैं एक और चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ आपको, आपको इस तरह के भी मिल जाएंगे, और आपको मसाज के लिए इस तरह के भी एक छोटे से हैंडल मिल जाएंगे, उससे भी ये काफ़ी रिलीफ मिलती है इनको। और एक रही बात और ये हाथ में डालने वाला, ये भी आप हैं दोनों हाथों वाले मिल जाते हैं, एक हाथ में मिल जाता तो ये भी काफ़ी रिलीफ करता है, इस तरह डॉग को काफ़ी मसाज होती है, अब नहलाने के समय यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, लेकिन आज का टॉपिक है कि मेन शिरजू को टेम्परेचर मेंटेन रखना बेहद ज़रूरी होता है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो हस्की ब्रीड के ऊपर बहुत कहते हैं कि भाई ये बर्फ वाला डॉग है, भाई ये भी बर्फ वाला डॉग है, इसको हस्की से कहीं ज़्यादा, देखो अभी राइट नाउ ये ब्रेथिंग इसकी फास्ट नहीं है बट क्वाइट नॉर्मल, लेकिन हमारा जो एसी है वो 20 पर है, उसके बावजूद भी इसको इतनी गर्मी लग रही है। तो बहुत सारे फ्रेंड इसको रखिए जूर, क्योंकि ये भौंक लेस बार्किंग डॉग है, लेकिन आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, अलग अलग मार्किंग में आ जाएगा, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, छोटे घरों में अपार्टमेंट में रखने वाली ब्रीड है माय फ्रेंड। और जिनके पास समय, जो डॉग को समा दे सकते हैं, समय की बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपसे आपका टाइम बहुत मांगेगी,
ये नहीं है इसको रेगुलर बाहर वॉक करवाने की कोई कंपलसरी नहीं है, घर में जितना फिजिकल एक्सरसाइज घूम कर चाहिए हो जाती है, लेकिन इनके बालों के लिए, इनको साफ सुथरा रखने के लिए, इनको कह लो कि ट्रस्ट जीतने के लिए, फिर ये आपके डोर टू डोर आपके घर में आपके पीछे घूमता रहेगा। तो ये वन ऑफ दोस चॉइस है आपके माय फ्रेंड। तो शिरजू ब्रीड लवेबल, लेकिन आंखों की स्किन की प्रॉब्लम, बालों की केयर, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट, छोटे घरों में जो हमारे फ्रेंड फ्लैट में रहते हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट। बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली है, सीनियर सिटीजन के साथ बहुत फ्रेंडली है, लेकिन ट्रस्ट जीतना इनका बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। और इसका नाम है वाईफाई, क्या नाम? वाईफाई। थैंक यू। ये ओही ने भोला शोला वाले, भोला शोला जिहड़ा YouTube चैनल है जिथे तुसी बहुत सारे डॉग्स देखते हो, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਕ ਐਂਡ ਮੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਅਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਭੋਲਾ ਸ਼ੋਲਾ ਪੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਅਵਰ ਓਨ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਪ, ਆਈਫੋਨ ਐਪ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੂ ਯੂਰ ਹੋਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਹਾਈ ਫਰੈਂਡਸ, बहुत सारे लोगों, हमारे फ्रेंड्स को ये मालूम ही नहीं है कि हम ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइज अपनी दे रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़कर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। हमारे ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, एक्सेसरी, सप्लीमेंट, सब कुछ आप घर बैठे सेल कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए माई फ्रेंड। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट फ्रेंचाइज के रिगार्डिंग, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पर मिल जाएगी माई फ्रेंड। और फॉर अनदर, आप जानते हो हमारा वीडियो डॉग के हर एक टॉपिक के ऊपर, भगवान ना करे अगर आपके डॉग को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर FAQ सेक्शन भी है माय फ्रेंड। तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए माय फ्रेंड।